हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपका रेलवे आरआरसी ग्रुप डी भर्ती के ऊपर, उसकी एग्जाम डेट को लेकर एक अपडेट आई है दोस्तों, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैंने अभी एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर बाय मिस्टेक आवाज़ नहीं आ रही थी दोस्तों, तो वो डिलीट करके अब मैं ये अपलोड कर रहा हूं। तो 1.03 यानी कि 103,000 पदों पर ये आपकी वैकेंसी जो चल रही है, इसकी दोस्तों एग्जाम डेट को लेकर एक न्यूज़पेपर के अंदर एक अपडेट आई है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, ऑफिशियली कोई अपडेट नहीं है, एक न्यूज़पेपर के अंदर जो आर्टिकल आया वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे कि कब तक आपका एग्ज़ाम हो सकता है और NTPC का कब तक होगा दोस्तों, ये आपके मन में सबसे बड़ा डाउट है। तो दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग अभी भी चांसेस आपके ग्रुप डी के ही ज़्यादा है, क्योंकि ग्रुप डी का स्टेटस भी दिखा दिया गया है, आपका एप्लीकेशन स्टेटस, NTPC का एप्लीकेशन स्टेटस जब तक दिखाएंगे तब तक आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो कंडक्ट हो जाएगा, क्योंकि फॉर्म भी इसके अंदर कम फिलअप हुए हैं। और दूसरी बात, इसके अंदर सिर्फ एक एग्ज़ाम यहाँ पर RRB को करवाना है, बस एक एग्ज़ाम करवा कर रिजल्ट निकाल कर सीधा RRC को सौंपना है, फिर RRC अपने अकॉर्डिंग अपना फिजिकल करवाएगा उनका, और उनके बाद में उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी मेडिकल है वो सब कुछ RRC उसका प्रोसेस करेगा। जबकि यहाँ पर NTPC के अंदर RRB को एक एग्ज़ाम करवाना होगा, फिर सेकेंड, फिर आपका साइको भी होगा उसके अंदर, फिर आपका DV और मेडिकल भी होगा, सब कुछ आपको RRB को ही करवाना है। तो हो सकता है आपका अभी तक कुछ भी कन्फर्म नहीं हो पाया इस बात को लेकर कि कब तक कौन सा पहले होगा, और एक आपकी संभावना NTPC पहले होने की यही बनती है कि ग्रुप डी का जो अभी भर्ती हुआ है 64,000 पदों पर, वो दोस्तों अभी मतलब ग्रुप डी का स्टाफ मिल गया है एक बार के लिए रेलवे को, जबकि NTPC की कोई भी भर्ती नहीं हुई है 2015 के बाद। तो हो सकता है NTPC पहले करवाई जाए, तो अभी इस चीज़ को लेकर कुछ भी अपडेट नहीं आई। और नई भर्ती को लेकर आपको मैं बता दूं दोस्तों, नई भर्ती आपकी जो पीयूष गोयल जी ने जो पीछे दो साल घोषणा की थी कि 2.5 लाख पदों पर हम रेलवे के अंदर भर्ती करने वाले हैं, उसका पहला चरण 1,40,000 के समथिंग वो निकाल चुके हैं, जो कि जून 2019 से प्रक्रिया में है। तो उसके बाद ही उन्होंने बोला था कि हम अगली जो प्रक्रिया है लगभग 1,00,000 पदों पर, तो वो हम जून 2020 तक कंडक्ट करवाएंगे, लाएंगे मतलब नोटिफिकेशन। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर एग्ज़ाम डेट इतना डिले होगा, जून तक इनका एग्ज़ाम ही नहीं हो पाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि जून में आपकी भर्ती ना आकर जनवरी 2021 तक नेक्स्ट वैकेंसी वो आने वाली है रेलवे के अंदर, चांसेज हैं आपके दोस्तों। तो आज का जो न्यूज़पेपर के अंदर क्या कुछ प्रोसेस है वो आपके साथ शेयर करता हूं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली अपडेट आपसे बिल्कुल मिस ना हो। तो दोस्तों, ये आपकी एक अपडेट आई है, रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा इस माह होगा जारी, यानी कि रेलवे में ग्रुप डी के 1,00,000 पदों पर भर्ती के लिए होने वाली CBT परीक्षा प्रथम चरण की तिथि इस महीने में घोषित की जा सकती है। अजमेर समेत देश भर के इस भर्ती परीक्षा के आयोजन का इंतजार किया जा रहा है, यानी कि अजमेर जोन आपका है अजमेर RRB और बाकी RRB। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा ग्रुप डी परीक्षा को लेकर एडमिट कार्ड कब जारी करेगा इसको लेकर कोई तिथि अभी घोषित नहीं की गई है। माना जा रहा है कि इस महीने में रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा तिथि जारी कर सकता है। RRB द्वारा ग्रुप डी पदों पर भर्ती के लिए पूर्व परीक्षा सितंबर में ली गई थी। तो ये दोस्तों सितंबर से तो हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब है कि दोस्तों इस महीने के अंत तक आपका एग्जाम शेड्यूल अगर जारी करता है रेलवे, तो जनवरी मिड तक आपके एडमिट कार्ड आएंगे, और इसके बाद में जनवरी लास्ट या फिर फरवरी के अंदर एग्जाम कंडक्ट हो पाएगी। तो आपके पास अभी भी काफ़ी टाइम है, 2 महीने का टाइम आराम से मिल जाएगा, चाहे वो ग्रुप डी हो चाहे वो NTPC हो। तो अपना अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और दोस्तों सिलेक्शन ले लीजिए, क्योंकि रेलवे अभी आपको सिलेक्शन दे रहा है, पता नहीं फिर कब देगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जानकारी हेल्पफुल हो, तो वीडियो कर दिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।